लोग अक्सर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान तस्वीरों को अपने कैमरे या फोन में कैद करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल नासा के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि ऐसा करने से आपका स्मार्टफोन या कैमरा खराब हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। रिपोर्ट पे बात सूर्य ग्रहण की करेंगे। साल का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को पड़ने वाला है। सूर्य ग्रहण को लेकर अक्सर कई सारे मिथ लोगों के जहन में होते हैं। एक मिथ ये भी है कि फोन से ग्रहण की फोटो लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत सोचना है और इसका दावा खुद नासा ने किया है। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक यूजर ने एक सवाल पूछा था और अपने इस पोस्ट में उसने लिखा था कि मुझे आज तक इस बात का करेक्ट आंसर नहीं मिला है कि स्मार्टफोन से सूर्य ग्रहण का फोटो खींचने पर सेंसर खराब होगा या नहीं। यूजर के इस सवाल का नासा की तरफ से एक पोस्ट के जरिए जवाब भी दिया गया है। नासा ने अपने इस पोस्ट में लिखा है कि इसके बारे में हमने अपनी नासा हेडक्वार्टर फोटो डिपार्टमेंट से सवाल पूछा और इसका जवाब हाँ है। फोन सेंसर किसी भी अन्य इमेज सेंसर की तरह ही क्षतिग्रस्त हो सकता है यदि उसे सीधे सूर्य की ओर पॉइंट किया गया हो तो। अगर आप फोन पर किसी भी प्रकार के मैग्नीफाइंग लेंस को अटैचमेंट करते हैं तो ये फोन को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको किसी अन्य कैमरे की तरह ही उचित फिल्टर का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। सबसे अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी कि किसी भी पॉइंट से सूर्य की तस्वीर लेते समय अपने फोन के लेंस के सामने आप इक्लिप्स ग्लासेस को रख दें। नासा के जवाब के बाद यूजर ने उसे थैंक यू भी बोला है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप स्मार्टफोन से सूर्य की फोटो लेना चाहते हैं तो अपने स्मार्टफोन के कैमरे के सेंसर को सोलर रेडिएशन से बचाने के लिए सोलर फिल्टर फीचर का इस्तेमाल करें। वहीं सूर्य ग्रहण की फोटो खींचते समय आप अपने स्मार्टफोन में वाइड एंगल फीचर का इस्तेमाल करें, यानी थोड़ी सी सावधानी ग्रहण के दौरान आपके फोन के सेंसर को डैमेज होने या नुकसान पहुंचाने से रोक सकती है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।